नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर सांप और उसके जहर से बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई गई है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगले कुछ एपिसोड्स के अंदर हम लोग अनेक सारी ड्रग्स डिस्कस करने वाले हैं। लैकेसिस, जो एक बहुत ही अहम और सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्नेक रेमेडी है और उसको हेरिंग साहब ने प्रूव किया था, होम्योपैथी में लाया था। उसी तरह से क्रोटाइलस हॉरिडस भी है और क्रोटाइलस कास्कावेला भी है। अमेजिंग ड्रग्स, यानी जो लोग खास करके इमरजेंसीज में प्रैक्टिस करते हैं या पैथोलॉजिकल केसेस के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो स्नेक रेमेडीज का होना बहुत ही जरूरी है। एक ड्रग है कोबरा से बना हुआ जिसका नाम है नाजा। नाजा कमाल की दवा है। जब हम लोग नाजा के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि कितनी कॉमनली ये यूज हो सकती है ड्रग्स। इलैप्स करके है जिसको कॉरल स्नेक से बनाया जाता है, बोथ्रॉप्स लैंसिलोटस। कोविड के जमाने में अभी तो बोथ्रॉप्स का जो काम है होम्योपैथी में वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना फ्रीक्वेंट प्रिस्क्रिप्शन हो गया था जो हमने पहले कभी बोथ्रॉप्स को यूज नहीं किया था। उसी तरह से सेंक्रिस करके दवा है, सेंक्रिस कॉन्टोर्टिक्स, ये कॉपरहेड स्नेक से बनाया जाता है और बंगारिस फेशियासिस और टॉक्सिकोफिस एक रेयर स्नेक रेमेडी है। पाइथन ये भी एक स्नेक रेमेडी है। बोआ कंस्ट्रिक्टर ये भी एक स्नेक रेमेडी है। दोस्तों, अनेक स्नेक रेमेडीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी स्नेक्स के अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो सर्प का जो विष है वो साइनाइड हाइड्रेट्स ऑफ सोडा से बनाया जाता है और उससे सबसे इंपॉर्टेंट काम है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्रग, मतलब वो SpO2 को कम कर देता है। सभी स्नेक्स के अंदर जनरली मेंटल स्टेट के अंदर इरिटेशन या चिड़चिड़ापन कायम रहता है, डर रहता है, अकेलेपन का बहुत ज्यादा डर रहता है और उनको सभी को मेजॉरिटी को सपने आते हैं या वो बोलते हैं खुद के डेथ के बारे में या दूसरों के डेथ के बारे में। हीमरेजिक डायथीसिस, यानी नॉर्मल जगह से या अबनॉर्मल जगह से ब्लीडिंग अत्यधिक होना, ये प्रैक्टिकली सभी स्नेक रेमेडीज के अंदर पाया जाता है। सभी स्नेक रेमेडीज का एग्रेवेटिंग जो सीजन है वो यही है, स्प्रिंग सीजन जिसको बोलते हैं हम इंडिया के अंदर, खास करके जनवरी, फरवरी एंड मार्च के अंदर जो 3 महीने हैं ये स्नेक रेमेडीज के महीने, क्योंकि प्रैक्टिकली सभी कंप्लेंट्स स्नेक रेमेडीज की ये सीजन में बढ़ती है। जनरली सभी स्नेक रेमेडीज में स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है और ब्लूइश कलर के दाग आ जाते हैं और ऐसे स्टेट्स में यूज होते हैं स्नेक रेमेडीज जो बिल्कुल सेप्सिस यानी डल पेशेंट, जहां बिल्कुल पेशेंट खत्म हो जाता है, लंबी बीमारी है, ऐसी बीमारी जहां लिवर, हार्ट, लंग्स या किडनी, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, वहां पर स्नेक रेमेडीज बहुत अच्छा काम दिखाती है। दोस्तों, काफी सारी स्नेक रेमेडीज मेनोपॉज के टाइम पे भी और उसके वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। हार्ट के अंदर मैक्सिमम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, खून पे इनका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। हम लोग एक एक जब रेमेडीज देखेंगे तब आपको बताऊंगा मैं कि कार्डियक प्रैक्टिस में, बिकॉज मेरा प्रैक्टिस मेनली कार्डियोलॉजी पे है, तो बहुत सारी स्नेक रेमेडीज हमको अलग अलग पोटेंसीज के अंदर यूज करनी पड़ती है। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से पूछ के लेंगे, खास करके ऐसी स्नेक रेमेडीज आप अपने मन से ना लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली श्रृंखला आप देखते रहिए, आपको जरूर पसंद आएगी। आपको जो भी प्रश्न हो कोई भी स्नेक रेमेडीज के बारे में तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहां पर भी पूछ सकते हैं। अमेजोन पे हमारी किताबें अवेलेबल है और हमारी एक बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ मायाज्म, उसके अंदर बहुत सारी स्नेक रेमेडीज दी गई है, बहुत विस्तार तरीके से दी गई है। तो आप उसमें से भी, आप कोई प्रश्न हो तो उसमें भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।